हृदय के चरणों में शत शत नमोस्तु महाराज जी पहले मैं एक हम स्वाध्याय समय एक प्रश्न आया था हम उत्तर नहीं दे पाए थे प्रश्न बिल्कुल साधारण है फिर मैं अपना प्रश्न पूछती हूँ उन्होंने कहा कि आज की आई हुई पत्नी में ऐसा कौन सा अविभागी प्रतिच्छेद हैं जो एक दिन में 28 वर्ष इस माँ ने पाला पोसा उसका वो इतना विश्वसनीय हो जाती है कि 28 वर्ष का विश्वास भी कहीं खो जाता है ऐसे कौन से उसमें सत्यांश हैं अविभागी प्रतिच्छेद है तो महाराज जी उत्तर इसका आपसे चाहिए हाँ, अपना भी पूछ लो और दूसरा अब मेरा प्रश्न ये है कि व्यक्तित्व तो और अस्तित्व में संतुलन कैसे बनाए रखें महाराज जी बहुत सुंदर सबसे पहले तो मैं चाहूँगा इस बहन जी का एक बार आप सब लोग स्वागत कर दें ऐसा इसलिए कि ये बहन जी बड़ी विदुषी स्वयं के बल पर स्वाध्यायशील सिद्धांत ग्रंथों की मर्मज्ञ है समझ गए जबलपुर में है और बहुत लोगों को ये अध्यापन कराती है और ब्रती जीवन जीने के रास्ते पर है हमें लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए और इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए आपने पूछा है पत्नी नाम के जीव में ऐसा कौन सा अभिभागी प्रतिच्छेद है कि घर आते ही अट्ठाईस बरस के पति को उनके माँ बाप से अलग कर देती देखो ये प्रश्न बड़ा गूढ़ और गंभीर है मैं इसे दूसरे अर्थ में लेता हूं और न मैं पत्नी पर दोषारोपण करना चाहूंगा न पति पर मैं तो आज की व्यवस्था पर ही एक प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं ये सब चीजें क्यों हो रहा है इसलिए हो रहा है कि ये हमारी जो परंपरागत सांस्कृतिक मान्यताएं थी उसके बाहर हो रहा है हमारी संस्कृति में विवाह के लिए कन्या की बात की गई है किससे विवाह करना कन्या से।, कन्या से और कन्या कौन होती है बीस इक्कीस साल बाईस साल तक कन्या है पच्चीस साल में तो परिपक्व युवती हो जाती है कन्या जब एक घर को छोड़कर दूसरे घर जाती है आचार विचार व्यवहार सब में ढल जाती है लेकिन जब वो पढ़ लिख कर पच्चीस वर्ष की परिपक्व युवती बन जाती है तो उसको चीजों को स्वीकार करना बड़ा कठिन सा हो जाता है फिर उसका ईगो आगे बढ़ने लगता है और ये केवल माँ बाप से ही नहीं आजकल तो और एक कदम आगे बढ़ गए हैं पति पत्नी में भी एक दूसरे के साथ खींचा तानी रहती समझ गए अब पत्नी वही है जो पति पर तनी रहे ये ये चीजें आ रही है ना सामंजस्य का अभाव है क्योंकि जहां अहंकार आड़े आता है संबंध छिन्न भिन्न हो जाते हैं अब मेरी बात को लोग शायद अच्छा ना माने लोग कहेंगे महाराज तो पुराने ख्यालों के हो गए आठों डक्स हैं लेकिन ये हकीकत है अब इस पर भी विद्वानों के बीच बहस शुरू हो गई लेट मैरिज के कुपरिणाम सामने आने लगे आपस में ईगो क्लेश होता है और साथ ही तालमेल नहीं बनता इशूज के लिए लाइन लगाना पड़ता है डॉक्टरों के पास तो इस पर बहुत विचार होना चाहिए तो महाराज ऐसा हो जाए तो लड़कियाँ पढ़े लिखे नहीं क्या मैं कहता तो हूँ पढ़ना लिखना चाहिए शादी के बाद भी पढ़ने की आज़ादी देनी चाहिए और ऐसा परिवारों में वातावरण बनाना चाहिए ताकि खुशहाल जीवन जी सके और पति पत्नी एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बनकर जीवन का आदर्श उपस्थित कर सके इतना ही कह और आपका जो व्यक्ति व्यक्तित्व और व्यक्तित्व और अस्तित्व में संतुलन कैसे रखें व्यक्तित्व और अस्तित्व में संतुलन रखने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं अपने अस्तित्व को पहचानो और दूसरों के अस्तित्व का आदर करो हमारा व्यक्तित्व अपने आप निखर जाएगा